आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। जगदलपुर में भाजपा के सामाजिक न्याय सप्ताह एवं अन्य विक्रम कार्यक्रमों में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए बस्तर आ रहे हैं। वहीं एक ओर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं कांग्रेस के खिलाफ धरने पर उतरेंगी, तो वहीं प्रियंका गांधी का पहली बार बस्तर में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि धरना प्रदर्शन जगदलपुर के सिरासार चौक में किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन प्राप्त होने की भी उम्मीद है। 12 अप्रैल महिला मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन व्यापक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो सरकार महिला हित की बात करके सरकार में आई, वो सरकार बनते ही महिलाओं का पूरी तरह से सुध-बुध भूल गई। उसी दृष्टि में सरकार को जगाने के लिए देखिए, आते ही साथ इन्होंने रेडी टू ईट मिल उस कार्यक्रम को महिला स्व सहायता समूह से अलग कर दिया। सारी महिलाएं बेरोजगार हो गई। महिला स्व सहायता समूह को कर्जा माफ करने का जो वादा इन्होंने किया था, किसी भी महिला का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। पूर्ण शराबबंदी की बात की थी, गंगा जल लेके बात की थी, आज पूरा प्रदेश मादक द्रव्य से, ड्रग्स से, शराब से पूरी तरह से परेशान है। युवा भटक रहे हैं, परंतु ये सरकार सो रही है। और अगर जाग रही है तो प्रियंका गांधी के लिए जाग रही है। 2-2 किलोमीटर लंबे गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं और प्रियंका गांधी की तैयारी में सरकार आकंठ रूप से डूबी हुई है। इसलिए इनको जगाने के लिए महिला मोर्चा का छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नगर निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता नवनीत चांद का साथ मिल गया है। जहां हड़तालियों के बीच पहुंचकर मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस नेता नवनीत ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद करने के प्रदेश भर में आह्वान किया है। इस आह्वान पर भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना सहित कई हिंदू संगठनों के सैकड़ों युवा जिला मुख्यालय सूरजपुर के अग्रसेन चौक पर सैकड़ों की संख्या में एक साथ एकत्रित हुए हैं और शहर के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर मार्च करते हुए शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापारियों को बंद करने का आह्वान किया है। साथ ही सभी दुकानों के शटर तक गिराए गए हैं। बेमेतरा में जिहादियों तत्वों के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। गीदम नगर बस स्टैंड से सूचना मिली कि एक छोटे दुकान संचालक ने दुकान खोल रखी थी, उसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करने का आग्रह किया। इस दरमियान आसपास के ही व्यापारियों ने सख्त होकते हुए दुकान बंद कराई। इस दौरान छत्तीसगढ़ बंद को सभी ने समर्थन दिया और जिहादी तत्वों के खिलाफ एकता प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में 13 अप्रैल को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रथम नगर आगमन पर कई कयास लगाए जा रहे हैं, जहां आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है और प्रियंका गांधी का साथ देने छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल भी उपस्थित होंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी नहीं आ पाए थे, उनका भी इच्छा था, माननीय सीएम साहब का इच्छा था, हम लोग का भी इच्छा था कि बस्तर आए। और हम लोग का सौभाग्य है कि 13 तारीख को बस्तर आ रहे हैं और आने के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद जो लगातार 4.5 साल हम लोगों ने काम किए हैं, उसका एक रोल मॉडल के रूप में, पूरी स्टाल के रूप में लगभग सातों जिले का बस्तर संभाग का लग रही है, वो भी अवलोकन करेंगे। और साथ ही हम जनता में भी मैसेज देंगे कि हमारी सरकार आने के बाद निश्चित रूप से बस्तर में बहुत विकास हुआ है। यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के आदिवासियों को आर्थिक रूप से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से मजबूती करने का काम किया है। एक रोल मॉडल के रूप में जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में बस्तर को अजायब घर के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी सरकार ने
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व बस्तर को एक विकास की नई राह, एक नई दिशा दिखाया, उस दिशा को देखने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे बस्तर की जनता और पूरे जनप्रतिनिधि उत्साहित। खबर जगदलपुर से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने विरोध जताने के लिए रैली निकाली है। बता दें कि महिलाएं 4 सूत्रीय मांग को लेकर आक्रोशित है। 24 दिनों में लगभग 2000 महिलाएं हड़ताल करती हुई दिखाई दी हैं। समूह के सभी सदस्यों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। वहीं आगामी दिनों में महिलाएं उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है, जबकि जिला पंचायत CEO ने उनकी मांगों को ज्ञापन के रूप में स्वीकार कर शासन के समक्ष पेश किया है, जिसके बाद उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त हुआ है। क्या मामला के लिए? हाँ, तो हमारे जो हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से हैं, जो जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 2000 कार्यकर्ता हैं यहाँ, हम लोग हमारी 4 सूत्रीय मांगे लेकर हम हड़ताल में 24 दिन हुआ बैठ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग को लिखित में कुछ नहीं मिला है, इसलिए आज हमारा 24वां दिन है। तो हम लोग रैली निकाले और हमारे माँ दंतेश्वरी के सामने हम लोग दीप प्रज्वलित। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सचिव संघ शासकीयकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। सचिव संघ अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर ब्लॉक स्तर काम कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि 16 मार्च से सचिव संघ हड़ताल पर है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। वही सचिवों के हड़ताल का आज 27वां दिन है, जिसको लेकर ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर महासमुंद कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में रसोईया संघ मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, जहां पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। बता दें कि 10 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर रायपुर जाने की तैयारी में थी, लेकिन पुलिस उन्हें लेकर थाने आ गई। इसी बीच देर उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रसोईया संघ को पुलिस उनके घर के सामने जमीन पर छोड़ देती है। वही परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दिन भर थाने में बिठाए रखा और देर शाम घर के सामने इस हाल में छोड़ दिया। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जल जंगल जमीन को बचाने, पर्यटन स्थलों में सैलानियों के छेड़खानी, गंदगी फैलाने, वन संरक्षण अधिनियम लागू करने, वनोपजों के उचित मूल्य देने जैसे कई नियमों को लेकर 2 दिनों से आदिवासी ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना अनुमति के गाँव में सुरक्षा कैंप खोल रही है, पेड़ों को काट कर चौड़ी सड़क का निर्माण कर रही है और पैसा कानून का उल्लंघन कर रही है। बता दें कि सभी ग्रामीण रैली निकालकर जिला मुख्यालय जाना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद SDM को ज्ञापन सौंपकर सभी ग्रामीण वापस चले गए। वहीं जगदलपुर में विधायक एवं संसदीय सचिव ने मेला आयोजन के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है और कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप एवं निर्देश पर नगर नाल स्टील प्लांट प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में मेला मंडई एवं खेल आयोजकों हेतु राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। मेला मंडई हमारी आस्था का केंद्र है और इसके लिए हमारी सरकार लगातार राशि भी आवंटित कर रही है। तो वहीं जगदलपुर में नक्सलवाद और नक्सलियों के खात्मे के लिए फोर्स लगातार समय समय पर रणनीति में बदलाव कर रही है। बीजापुर और सुकमा जिले के जंगलों से एक बार फिर हवाई बमबारी की खबर सामने आ रही है। बता दें कि माओवादियों के दक्षिण बस्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर हवाई बमबारी की जानकारी दी है। माओवादी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीते महीने अमित शाह के बस्तर दौरे में नक्सलियों के खात्मे की तैयारी अंतिम चरण में होने का दावा किया था। इस बयान के बाद से लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। खबर अकलतरा से है, जहां कबीर चौक में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का पहला दिन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी शशिप्रभा दीदी ने श्रीमद्भागवत गीता के बारे में बताया और कहा कि गीता से हिंसा की प्रेरणा ना ले, इससे तो मन के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के युद्ध, उसमें सही निर्णय और धर्म के पक्ष में निर्णय लेने की शिक्षा मिलती है।
गरियाबंद के केर गांव में खेलते हुए एक साल का बच्चा कुएं में गिर गया और बच्चे के कुएं में गिरता देख कानन फानन में बचाने हेतु उसकी बुआ ने कुएं में छलांग लगाकर बच्चे को बाहर निकाला, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर पैसे की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों पर कार्रवाई की है। बता दें कि मामले में प्रार्थी ने एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया कि आरोपियों ने अलग अलग मोबाइल नंबरों से घर बैठे नौकरी के नाम से झांसा देकर अलग अलग लगभग 2.5 लाख साउथ इंडियन बैंक में पैसे ट्रांसफर कराए हैं। वही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड जब्त कर लिया है। जगदलपुर में पुलिस लगातार लापता लोगों को ढूंढ निकालने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक लापता की खोज कर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि वर्गीज कॉलोनी निवासी एक युवक अपने 14 साल के भतीजे को अपने घर लाकर पढ़ाई करवा रहा था। इसी बीच पूरा परिवार महाकाल दर्शन के लिए गया था, लेकिन वापस लौटने पर उनका भतीजा घर पर नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने थाना बोधघाट में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।